नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। शासन ने प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया है। जी हाँ, ये प्रेस जहाँ पर भारी भरकम स्टाफ है, यहाँ लगातार काम चल रहा है। जानकारी आई है कि रीवा, जबलपुर, इंदौर के प्रिंटिंग प्रेसों को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ लगभग 50 के ऊपर ज़्यादा कर्मचारी हैं। मैं आज उसी प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद हूँ, यहाँ के तमाम लोगों से बात करूँगा। आइए आपको प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा। जैसा कि आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर काम की कोई कमी नहीं है। करोड़ों रुपए की मशीन है, यहाँ पर जिस तरीके का इंतज़ाम है, जिस तरीके की व्यवस्था है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार किस वजह से बंद कर रही। हमारे साथ यहाँ पर जो शख्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, जी हाँ, ईश्वर ने इनकी आंखें छीन ली, लेकिन इनके हाथ को आप देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने काम में ये कितना एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और फिर सोचिए एक सामान्य आदमी क्या इस तरीके से काम कर सकता है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं, क्या नाम है और क्या दिक्कतें। सर, आप जो भी आपकी क्या दिक्कतें परेशानी आने वाली है? भाई सर, गाँव से अपने यहाँ से मेरा यहाँ गिरिंद निवास है, अपने परिवार के साथ हूँ और दूर जाएंगे तो थोड़ा वो परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन जब शासन जो कहेगा उसको तो पालन करना है। शासन जो कहेगा उसका काम करना है, शासन जो भी कहेगा, जिस तरीके का निर्देश देगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। यहाँ जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम की कमी नहीं है। ये बताइए, ये काम 12 महीने इसी तरीके से चलता है? जी सर, 12 ही महीना चलता है, 12 महीने इसी रफ्तार से काम, इसी रफ्तार से। आप लोग पास काम की कमी नहीं है? काम तो बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है, काम की कमी नहीं है। यहाँ कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही, क्या काम करती हैं आप? सर, हम लोग उठाई धरी का काम करते हैं, फोर्थ क्लास में हैं। इसलिए मतलब हम लोग जितना भी हम लोगों का काम होता है, काम बराबर हम लोग करते हैं। अब रह गई प्रॉब्लम यहाँ से जाने की, जैसे प्रेस टूट गया ग्वालियर, इंदौर और रीवा का, तो हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बताइए आप ही। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आदमी हम लोग परेशान हो जाएंगे। एक तो विधवा औरत, कोई सहारा नहीं हम लोगों का। चलो यहाँ छोटा मोटा आदमी घर लिया है जो भी, तो अपने बच्चों के साथ आदमी गुजारा कर रहा, बाहर जाएंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। क्या नाम है आपका? मेरा किरण पटेल नाम है। किरण पटेल की पीड़ा शायद आपने समझी होगी। विधवा है, यहाँ पर सामान को इधर से उधर करने का काम करती हैं। बड़ी समस्या उनके साथ ये है कि नई जगह पर जाके वो किस तरीके से काम करेंगी। अब तो उम्र भी काम करने में वो स्थिति नहीं रह गई कि उस रफ्तार से काम कर सकें। बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, क्या है आपकी समस्या आने वाली है? ये प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाला सुना है आपने? परेशानी तो है सर बहुत। अब क्या किया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के कहाँ जाए। कितने दिन से आप हैं? हम यहाँ 23 साल से हैं। क्या नाम है आपका? विभा श्रीवास्तव। विभा जी का कहना है कि हम पिछले 23 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, शासन ने एकाएक प्रिंटिंग प्रेस बंद करने का निर्णय ले लिया। अब निर्णय शासन का है, रीवा, जबलपुर, इंदौर के प्रिंटिंग प्रेस बंद हो रहे हैं। यहाँ मेरे अगल बगल आप दो शख्स देख पा रहे होंगे। जी हाँ, ये दोनों शख्स लगभग 25 से 30 साल पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं अब क्या समस्याएं आने वाली हैं। इतने दिन आपने रीवा में काम किया, अब आपको बाहर जाना पड़ेगा, बताइए। हाँ, हमने यहाँ 32 साल से काम किया है, अब जहाँ शासन भेजेगी, बाहर भेजेगी, तो वहाँ जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम यहाँ हम लोग ईमानदारी और लगन से करते आए हैं और करते ही रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। ईमानदारी और लगन से काम हम लगातार करते रहें। ये बताइए, जिस तरीके से आज यहाँ पर काम चल रहा है, उस तरीके से क्या यहाँ पर 12 महीने काम होता है, और काम यहाँ पर ये बंद करने की क्या वजह आपको समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ 12 महीना इसी तरीके से काम चलता जैसे चल रहा है, 10-15-20 हज़ार तक नंबर पीट के देते हैं, हाथ से लगा, इतनी मेहनत करते हैं लोग, फिर भी यहाँ का कार्यालय बंद किया जा रहा है। अब आप नई जगह पर आप जाएंगे? अब शासन कहता तो है, बुला रहा तो जाएंगे, भेज रहा है तो परेशानी तो होगी, आदमी कुछ जाएगा क्या करेगा। हमें नई जगह पर जाना पड़ेगा, शासन के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। बच्चों को पालना है, रोजी रोटी का एकमात्र जरिया यही है, इसलिए शासन की मंशा के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, करोड़ों की यहाँ पर संपत्ति है, जिस तरीके से आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, प्रिंटिंग की वो समस्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं,
लेकिन क्यों शासन बंद कर रहा है ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ के कर्मचारियों को नहीं समझ में आ रहा है। ये अब हमारे पास वैसे रिकॉर्डेड तो नहीं है, पर लोग बाग ये कहते हैं कि ये 1851 से संचालित हुआ था राजघराने के पहले से, और ये हमारा प्रेस जो है तो जय स्तंभ के पास लगता था, वहाँ से जो है तो हम लोगों को इस आश्वासन के साथ यहाँ शिफ्ट किया गया था कि नई बिल्डिंग बनेगी और सारे कर्मचारी हमारे फिर से इसी नई बिल्डिंग में जय स्तंभ के पास आ जाएंगे। पर अब दुर्भाग्य ऐसी है कि इंदौर, ग्वालियर और रीवा तीनों प्रेस को बंद कर रहे हैं, ऐसा शासन के आदेश मतलब हो चुके हैं। हमारे यहाँ 180 कर्मचारी की स्थापना थी, 180 कर्मचारी में लगभग 59 कर्मचारी आज के डेट में 59 कर्मचारी अपने यहाँ जो है तो कार्यरत हैं, शेष पद रिक्त हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का शासन का ऐसा मतलब आदेश है कि इनको राजस्व विभाग में ही हम प्रतिनियुक्ति में भेजेंगे, और तकनीकी कर्मचारी हमारे जितने हैं वो सब सेंटर प्रेस में मतलब संविलियन होंगे। ये मतलब स्थिति है प्रेस की। कर्मचारी सब मेरे जो है तो लोकल रीवा के ही रहने वाले हैं, इनकी फैमिली जो है तो मतलब अस्त व्यस्त होगी, प्रभावित होगी, ये बात तो मतलब लीगल है, प्रशासन के जैसे आदेश होंगे, जैसे निर्देश होंगे वैसे पालन करेंगे। अपन लोगों को पेट तो पालना है, परिवार चलाना है। आपके यहाँ विधवाएँ भी हैं, मूक बधिर भी हैं, नेत्रहीन भी हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए अब शासन क्या निर्णय लेती है, शासन को प्रपोजल में हमने बराबर बता दिया है कि हमारे यहाँ जो है तो 3 महिला कर्मचारी हैं, 1 नेत्रहीन है, 1 जो है तो मूक बधिर है। अब उस संबंध में शासन अलग से क्या निर्णय लेती है, इस संबंध में तो अपने को जानकारी नहीं है कोई। नाम मेरा शेषमण द्विवेदी, प्रभारी मुख्य लिपिक का मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, और 1989 से मेरी नियुक्ति है, यहाँ से मेरी भी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस बंद हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, कब से ये चालू था, हमारे साथ इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर कार्यालय सहायक मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। पूरा ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई, इस प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास क्या था और आज क्या हालात हो गए तमाम बताइए जी। जिस तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस आप चालू हालत में दिख रहा है, और आज क्या खबर आई है, क्या कहेंगे आप? ये 150 साल पुराना पहले प्रेस था, राजा महाराजाओं के ज़माने का प्रेस था। रीवा पहले तो रीवा, राजनंदगांव, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ऐसे 5 प्रेस थे, किंतु छत्तीसगढ़ जब 2000 में अलग हुआ तो राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में चला गया। अब यहाँ 4 प्रेस बचे, रीवा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। अब शासन की मंशा ये है कि पेपरलेस भारत, और 3 प्रेस बंद करके 1 प्रेस रखना है भोपाल। तो ग्वालियर, इंदौर, रीवा को बंद करके भोपाल में शिफ्ट कर रहे हैं, और नई तकनीकी मशीनें आ गई हैं, और वहीं इन कर्मचारियों को शिफ्ट करने का ऐसा आदेश सुनाई दे रहा है। अब ये व्यवस्था नए बजट से हो जाए, 1 अप्रैल से, या कब से हो जाए, ये शासन प्रशासन जाने। अब हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ तो होगी आने जाने की, लेकिन शासन की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था से हमको चलना है।